अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबके दोस्त हैं, हम सब भी अच्छे हैं। 9:45 हो गया, 9:30 बजे उठी थी क्योंकि आज भी मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। दोनों इतने बीमार हैं, नहीं भेजा, इसलिए मैंने झाड़ू लगा लिया है सब में, नीचे के आगे साफ सफाई करके। बस थोड़ा सा बर्तन है वो देती हूँ। वैसे तो रात में खाना बना नहीं था, वो नूडल खाया था और वो सब खाया था, वो एक प्लेट बस। मैंने वो चावल, सुबह के चावल को फ्राई किया था। और उन दोनों की खांसी के साथ साथ मेरा भी गर्द हल्ला पूरा जाम हो गया, पता नहीं कि मुझे भी सर्दी हो गई फिर से। एक तो पहले से वो उल्टी का चक्कर था, अब सर्दी हो गई। मेरा सारा धुल गया। चल इसमें तीनों के लिए, मैं अपने लिए, रेहान अक्सर तीनों के लिए अदरक वाली चाय बनाने, और दोनों को उठने से पहले आलू का पराठा बना देती हूँ, चाय के साथ खा लेंगे दोनों। जरिए अब मैं आटा लगाने गूंद लिया, आलू का मसाला भी तैयार है, चार ही पराठा बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा खा लेते हैं तो खाना नहीं खा पाते। और इधर मैंने दूध उबल गया, इधर मैंने हल्दी चढ़ा दिया है, हल्दी वाला दूध, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ डाल के, अदरक, काली मिर्च, और इधर चाय चढ़ा दिया। बेचारी दोनों को उठाने, फिर आके पराठा बनाते हैं। यहाँ ए उठेगा नहीं, जाके ब्रश व्रश कर। हाँ क्यों खांसते खांसते पूरी रात परेशान है, बहुत खांसी हो रही, दवाई फेल है, कितना पिला पिला के बोतल का बोतल दवाई खत्म हो गया, लेकिन आज लेके जाऊंगी मैं सुई दिलवाने डॉक्टर के पास। एकदम गरम गरम पराठा, आज आलू नहीं है कम, बोलता है देख कितना सारा आलू है, कितना अच्छा पराठा है ना, देखना है कितना आलू है इसमें। सूजी का या आटे का? सही से पलथी मार के बैठ के खाओ, पहले दूध पी ले दूध, क्योंकि गर्म है थोड़ा थोड़ा। यह लास्ट का पराठा भी, इसे मैंने वैसे ही रख दिया है तो फिर गर्म होता रहेगा, रेहान के पापा आ रहे हैं तो फिर खा लेंगे। मैं जा रही हूँ खाने चाय पराठा, दोनों ने खाया नहीं, आधा अधूरा करके खाया, रख दिया वहाँ पर। एक बार मैं 4 बजे खाना बनाऊँगी, वही खाना पड़ेगा घूम घूम। खाने के बाद से थोड़ा सा काम था वो किया, अभी थोड़ा सा और काम बाकी है। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खाने में अंडा पुलाव बनाना है, सर्दी सबको हो रखी है, गरम गरम चीज़ खाना बोला, अंडा खिलाने के लिए अंडा सूप चिकन सूप पिलाना। तो अंडा आलू, दो आलू मैंने उबलने रख दिया है, अभी जा रही काटने टमाटर प्याज वाज, ये वो अंडा हो के रखा है, मेरा भी गला जाम हो रखा है, बहुत मीठा है। सर्दी की तरह से कोई चीज़ खाती नहीं, सर्दी मेरा पीछा छोड़ती नहीं है। चावल धोकर लिया, प्याज काटना है, हरी मिर्च, अदरक लहसुन कौन पीसने जाएगा, रहने दो ऐसे ही बना लेते हैं। साथ अंडे को भुनने के लिए रख दिया, थोड़ी देर भुन जाए। कभी ऐसा नहीं होता जब मेरा अंडा उबालू एक अंडा या दो अंडा खराब नहीं, हमेशा एक अंडा या दो अंडा खराब होने चाहिए। ये अनार मैंने छीला, कितना लाल है एकदम, कितना अच्छा है। इसी अनार के चक्कर में मेरी सारी सब्जी बिगाड़ी चढ़ा दिया था, यही ले रही थी साइड में रख के झोले को, बिगाड़ी चढ़ा दिया, टमाटर ही बर्बाद हो गया, सारा चीज़ ठीक था, खीरा रहा अच्छा एकदम लाल बन गया, टेस्टी टेस्टी अंडा पुलाव, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, सब चीज़ एकदम परफेक्ट, नमक वमक तीखा नहीं बनाऊँगा ज़्यादा, बस हरी मिर्च दो डाला था। आ जा रेहान को बुलाओ, बोलो ना पतंग उतार लेगा नीचे, वो बोल रही 5 मिनट और 5 मिनट और। काम था वो हो गया ख़त्म, और आज इन दोनों का ट्यूशन 4 का था, ट्यूशन भी नहीं गए दोनों। और उसके बाद अब 4 में बर्तन धोने, 4:30 हो गए, थोड़ा सा अंडा पुलाव बच गया उसे निकाल के रख देती हूँ। सुबह का आलू का पराठा भी वैसे, कल टमाटर की चटनी भी वैसे, फिर वैसे धोती हूँ बर्तन धोने, उसके बाद कपड़ा धोने के लिए लगाना है। मैंने अपने बर्तन वर्तन धो लिए, कपड़ा धोने के लिए भी लगा दिया। अब चल ओ जब तक पानी भर रहा था मशीन में तब तक मैंने थोड़ा सा पालक है वो साफ कर लिया था, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी था वो भी साफ करके रख लिया, इतना हुआ धनिया पत्ता, 10 रुपये का लाई थी, पूरा एकदम पीला हो गया।
तो दोनों को लग गई भूख, जा रही पालक के पकौड़े बनाने, चाय बनाऊंगी। तो भी सारे धुल गए, यहीं पे रख दिया मैंने, सुबह डाल दूंगी ऊपर। पहले मैंने पालक का वो भी बना लिया बैटर, वो जो मार्केट से लाते हैं उसमें पालक कहीं पे दिखता ही नहीं, खाली बेसन ही रहता, इसलिए मैंने बेसन कम पालक ज़्यादा डाला। चाय बनाने इतने पकौड़ा, सारे पकौड़े तैयार। इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, ये रहा क्या अच्छा पर इमली की चटनी है, ये छोटी कुल्फी में आज मैं चाय पीऊँगी। इमली की चटनी है, मिक्स है इमली की चटनी भी। 9:50 हो गया, अभी आयो दोनों को डॉक्टर क्या से लेके, क्या हुआ, सुई लगाए दोनों को, कांप लगा मैं, चित्त पे दिखाना नहीं दिख सकता, दूर है, क्या गिरा, ए उठाओ उसे, दोनों को एक एक सुई लगाया। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है, जा रही खाना बनाने, फिश करी बनानी है, रोटी बनानी, पहले मैं दवाई पिला देती हूँ दोनों को, आ जा, गोली भी खिला ही देती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी करके लेके आती हूँ। इसमें से दवाई खिला दिया एक एक, इसमें से गर्म पानी कर खिलाई, फिर ये खिलाना, फिर ये खिलाना। अब जा रही मैं खाना बनाने, और आज मैंने मंगाया है मल्ली फिश, यहाँ इसे मल्ली बोलते हैं, गाँव में इसे बुआरी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लगता है बर्फ़ में रखा हुआ था। 350 रुपये किलो, इतना महंगा। जा रही आलू डाल के बनाने, रोटी बनाने, कितना दिन से रात में अच्छे से खाना नहीं खाया, बनाया है नहीं। इधर गर्म पानी कर रही हूँ, दोनों को बॉटल में भर के रख दूंगी, वहाँ पे दोनों पीते रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगी मेरी। मछली भी फ्राई होगी, थोड़े से आलू भी फ्राई कर लिए, चिमकाने के धनिया पत्ता काट लिया, बस मसाला भी होने वाला, मोटा भी लगा दिया बस। फाइनली जाके खाना बन ही गया, वहाँ पर कितना लेट हो गया, 11 बज गया, जाए दोनों को खाना दे, मैं भी जा रही खाने, भूख लग रही है, बस लास्ट रोटी ही बचा बन गया सारा। वो उन दोनों के लिए लिया मैं, अपने लिए बाप खड़े खड़े थक गई बाप, बहुत टाइम लग जाता खाना बनाने में। अभी तक सुई का दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है सुई का तुझे भी? आज फाइनली जाके पूरा मुकम्मल खाना बनाया रात में ना, कितना दिन के बाद टेस्ट करके पता कितना अच्छा है कि नहीं। आज दूसरी मछली है, आज मछली है? मल्ली, मल्ली खाओ। जिसे नानी के यहाँ बुआरी बोलते हैं, बड़ा मुंह बोला।